देश में अभी अनलॉकडाउन की समस्या जुड़ी हुई है, जहाँ के कोरोना संक्रमण से लोग पीड़ित हैं। वहीं 2020 में बॉलीवुड के लिए कई ऐसे घटनाएं आई हैं जो बॉलीवुड के उभरते सितारे हमारे बीच नहीं रहे। वहीं एक बिहार के सपूत की बात करें तो बिहार के रहने वाले पूर्णिया जिले के सुशांत सिंह राजपूत, जो कि इनकी धारावाहिक पवित्र रिश्ता एकता कपूर के स्टार प्लस पे आई थी, जो कि कई ऐसे उभरते चेहरे आए थे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत थे जो बिहार के लिए वीर सपूत थे। उनकी मौत के बाद कहीं न कहीं लोगों में गम का माहौल है और कहीं कहीं बॉलीवुड में भी गुस्से के माहौल है आज के युवाओं को। इसी बीच आज सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये नज़ारा पटना का दीघा कुर्जी का नज़ारा है, जहां समाज से भी पप्पू राय जी के द्वारा पैदल श्रद्धांजलि देकर पैदल कई दूर तक यात्रा की जाएगी। उसके बाद इनकी क्या आगे कार्यक्रम में आइए इनसे जानते हैं। मेरे बिहारी बाबू, बिहार के मान सम्मान स्वर्गीय बाबू सुशांत सिंह का भावभीनी श्रद्धांजलि हम लोग यहाँ से करके, हम लोग यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए दीघा रोड, जो आर ब्लॉक को दीघा रोड बना है, हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सुशांत बाबू पद के नाम से ये रोड का नाम रखा जाए, और केंद्र सरकार से मांग करते हैं इसका जाँच उचित होना चाहिए। सर, बॉलीवुड में अधिकतर ऐसे देखा जाता है कि बिहार के लोगों के बारे में एक अलग अंदाज से देखा जाता है। बॉलीवुड में ही नहीं, सभी क्षेत्र में, बॉलीवुड हो या खेल हो, सभी जगत में बिहार के प्रतिभाओं को दबाया जाता है। इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ, इस चीज़ पर विशेष ध्यान देने का जरूरत है। बिहार का हर क्षेत्र में प्रतिभाओं को दबाया जाता है, इसलिए मैं उनसे मांग करता हूँ इस रोड को स्वर्गीय सुशांत बाबू पथ रखा जाए, नहीं तो आगे भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे रोड का नाम रखने के लिए। अभी सर कहाँ से कहाँ यात्रा करेंगे? अभी हम लोग यहाँ से राजीव नगर तक जाएंगे, जहाँ रोड बन रहा है आठ ब्लॉक सूची का, उस रोड पर जाएंगे, वोट करेंगे कि इस रोड का नाम रखा जाए सुशांत पथ। क्या कहना चाहेंगे? बिहार के माटी के लाल सीने जगह के अभिनेता और ऊर्जावान और हर क्षेत्र में अपने को स्थापित करने वाले ऐसे कलाकार, आज हम लोग मांग करते हैं सुशांत बाबू के नाम पर जो आर ब्लॉक का रोड है, दीघा आर ब्लॉक रोड का नाम उनके नाम पर किया जाए, और साथ में CBI जांच की मांग भी करते हैं हम लोग, क्योंकि ये बिहार वासियों की हृदय की बात है, दिल की बात है। कहे नीतीश जी, हे केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ये बिहारी के जो वहाँ पर जो मान सम्मान का ठेस पहुँचा है उसकी जाँच की जाए, क्योंकि अगर ये आप करते हैं तो हम लोग आप बिहारी के दिल में बसते भी हैं, और नहीं तो आप लोग सिर्फ दिखावापन मत कीजिए, ये बिहारियों के मान सम्मान की बात है। सर, युवाओं की क्या मांग है? हमारे बिहार के युवाओं की यही मांग है कि सुशांत जी के नाम से दीघा आर ब्लॉक पर नाम रखा जाए, और सुशांत सिंह जी का CBI जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो, उनके साथ जो भी हुआ हो, वो इतने कमज़ोर नहीं थे कि वो आत्महत्या कर सके, इसलिए उनकी जांच हो। सारे युवा यही मांगते हैं, सुशांत सिंह जी बिहार के एक रोल मॉडल थे, सारा युवा उनको दिलो जान से चाहता था, तो हमारी यही मांग है कि सुशांत जी का CBI जांच हो। कि मेरा यही कहना है, सबसे पहले तो हम कुर्जी के तमाम युवाओं को, पप्पू जी को, संजय जी को, धर्मेंद्र जी को, मैं सबको दिल से, चूँकि मैं उस परिवार से आता हूँ और कहीं ना कहीं मेरा दूर से एक रिश्ता है सुशांत के साथ, तो ये परिवार का तो नुकसान जो होना था हुआ, ये पूरा बिहार का नुकसान हुआ, कि बिहार का एकमात्र अगर कोई सुपरस्टार था तो वो सुशांत था, और गरीबों और युवाओं का मसीहा था वो, वह अपने धन दौलत को गरीबों को पे खर्चा करता था, युवाओं को मजबूत करने के लिए उसका बहुत प्लान था, बिहार में बहुत काम करने के लिए उसका बहुत सोच था। लेकिन ये जो हुआ, अभी जितने भी भाई लोगों ने कहा कि सुशांत आत्महत्या कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह एक जिगर वाला इंसान था, वह एक शेर दिल इंसान था, और खुशबीजात हम लोगों ने बचपन से देखा, या बहुत से लोग उनको बचपन से देखा है, क्योंकि कुर्जी और राजीव नगर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत लोग ने देखा है उस बच्चे को। तो ये एक साजिश के तहत, एक बॉलीवुड माफिया साजिश के तहत ये अंजाम दिया गया, और बिहारियों को कि बिहार का बच्चा वहाँ आगे ना बढ़े, आपने देखा कि बिहारी टैलेंट को किस तरह से कुचलने का काम वहाँ पर होता है, इसलिए आज ये श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ आज पप्पू जी का जो प्रस्ताव आया है, कि पप्पू राय जी का जो प्रस्ताव है
जो दीघा फोर ये सिक्स लेन है क्या है, आर ब्लॉक रोड, उसको वो सुशांत सिंह के नाम से नामकरण किया जाए, उसकी मांग इन्होंने किया है। ये बहुत ही अच्छा है कि कम से कम एक ऐसा बेटा जो बिहार को एक नाम दिया, एक पहचान दिया है, और इसीलिए ये आज जो ये श्रद्धांजलि सभा है ये बहुत ही बढ़िया है। मैं इनका सारे लोगों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि हमारे पीछे ये हमारा ये सुशांत सिंह राजपूत की ये पीठ है, जो कि लोगों में आक्रोश है, लोगों में गम का माहौल है, ये आक्रोश रहेगा युवाओं में। युवाओं की बिहार की मांग है कि जो लाइन रोड बनी है उसको एक नामकरण सुशांत सिंह राजपूत के नाम से दिया जाए। आगे देखते हैं क्या होता है। पटना से मदन कुमार के साथ विवेक रॉय, अंगारवामी, पटना।